नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। डीजीपी आरएस भट्टी की हाई लेवल मीटिंग में इस बात को लेकर हुई चर्चा। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25,000 रुपए। विश्वविद्यालयों को देना होगा 15 दिनों में वेतन खर्च का हिसाब। आज टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने 3,976 रिक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए वार्डन सह शिक्षिका, विभिन्न विषयों में अंशकालिक शिक्षिका, लेखपाल, सह सहायक, अनुसेवक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया के कुल मिलाकर 3,976 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जिसमें कैंडिडेट को अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग विषयों में ग्रेजुएशन विथ DELD और BEd BCom मैट्रिक की डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.bepcniyojan.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। डीजीपी आरएस भट्टी की हाई लेवल मीटिंग में इस बात को लेकर हुई चर्चा। बीते दिन बिहार के नए डीजीपी ने बिहार के सभी जोन के आईजी, डीआईजी और एसपी समेत सभी बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की। मीटिंग का आयोजन राज्य पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर जहरीली शराब कांड और राज्य में कानूनी व्यवस्था को सुधारने की बात की गई। साथ ही भट्टी ने यह भी कहा कि थानेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करें और छोटी छोटी पर उन्हें निलंबित करना बंद करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरएस भट्टी ने जैसे ही बिहार के डीजीपी पद को संभाला था, उन्होंने सबसे पहले टॉप 10 सभी अपराधियों की लिस्ट और अंडरवर्ल्ड को ध्वस्त करने का रोडमैप की मांग की थी। बीपीएससी मेंस एग्जाम में हुए बड़े बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर कुछ बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि किए गए बदलाव के अनुसार मुख्य परीक्षा में अब ऑप्शनल पेपर केवल क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि अब इस पेपर में अभ्यर्थी को केवल न्यूनतम अंक ही हासिल करने होंगे, जो कि कैटेगरी वार आयोग के द्वारा जारी की गई है। वहीं अब ऑप्शनल पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा के लिए एक निबंध के पेपर को जोड़ा गया है, जो कि कुल 300 अंकों का होगा और इस पेपर को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं बीपीएससी 68वीं के पीटी एग्जाम को लेकर भी आयोग के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें तहत अब प्रत्येक प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग को भी ऐड कर दिया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बुद्ध स्मृति पार्क के बारे में। बुद्ध स्मृति पार्क बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बना उद्यान है। इसके मध्य में 200 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेष की मंजूसाएं रखी गई है। 27 मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किया। उन्होंने इस स्तूप को पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का नाम दिया। यह दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पार्क का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां कभी ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक बांकीपुर सेंट्रल जेल मौजूद थी। बिहार के इन जिलों में जल्द लॉन्च होगा को वर्किंग स्पेस कल्चर। उद्योग विभाग की ओर से राज्य में को वर्किंग स्पेस फॉर स्टार्टअप की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में मॉडल को लॉन्च किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कल्चर उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होता है जो ऑफिस निर्माण का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इस व्यवस्था को शुरुआत में फ्रीलांसर के द्वारा अपनाया गया था, हालांकि अब इसमें बड़ी कंपनियां भी अपना रुचि दिखा रहे हैं। उद्योग विभाग की ओर से इस मॉडल को लेकर अलग अलग शहरों की प्लानिंग की जा रही है। वहीं अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इस मॉडल को कब सभी जिलों में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उद्योग विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25,000 रुपए।
शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 2022-23 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपए देने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि छात्राओं को यह पैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाएगी। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को भी दी है। नाराज शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को सत्यापन करने को कहा है और अगर सत्यापन नहीं होता है तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 और 2021-22 में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बीएससी एमएससी नर्सिंग के छात्रों को भी मिलेगा इंटर्नशिप में मानदेय। बीएससी और एमएससी नर्सिंग, पारा मेडिकल, डेंटल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब इन छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान मानदेय भी दिया जाएगा। बिहार के भागलपुर समेत पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल के 13 जिलों में पारा मेडिकल या नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप का यह मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इंटर्नशिप के दौरान जीएनएम और एएनएम को ही केवल इंटर्नशिप के दौरान मानदेय दिया जाता था। सचिव राम ईश्वर ने महालेखाकार पटना को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के पारा मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रम नर्सिंग, फार्मेसी, फार्मडी, डी फार्म, फार्मेसी डिप्लोमा, एम फार्म आदि के छात्रों को 1500 रुपए इंटर्नशिप के दौरान मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। एनएचआरसी की टीम पहुंची मृतकों के परिजनों से करने मुलाकात। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर एनएचआरसी की टीम मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। दरअसल एनएचआरसी की टीम यह जानना चाहती है कि आखिरकार बिहार में 80 से ज्यादा लोगों की मौत कैसे हुई और उन्हें कहां से शराब मिली थी। इसके अलावा एनएचआरसी की टीम छपरा के सदर अस्पताल में भी पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टरों से मौत के आंकड़े, हॉस्पिटल में एडमिट लोगों की लिस्ट, कितने रेफर हुए सभी की जानकारी प्राप्त की। हालांकि डॉक्टर सागर दुलाल ने सिन्हा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक शराब से मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आधुनिक बनेगा पटना का तारामंडल। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से बिहार की राजधानी पटना में स्थित तारामंडल को आधुनिक बनाने के लिए 36,13,20,000 की स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत तारामंडल के प्रोडक्शन सिस्टम के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन सहित आवश्यक सिविल इलेक्ट्रॉनिक कार्य और नए टेलीस्कोप की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 40 लाख की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी का निर्माण की भी स्वीकृति दे दी गई है। तारामंडल के आधुनिकीकरण होने से यहां घूमने आने वाले व्यक्तियों को अपने ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। सामाजिक प्रगति की रेस में बिहार इतने स्थान पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रतिस्पर्धा संस्थान और गैर लाभकारी संगठन सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा तैयार की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। इस सूची में अगर बिहार के नंबर की बात करें तो बिहार 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से बिहार का 35वां स्थान है। वहीं 36वें स्थान और आखिरी नंबर पर इस लिस्ट में झारखंड है। वहीं लिस्ट में जिन राज्यों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा उनमें पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का रहा है। बिहार के गया में दलाई लामा के आगमन को लेकर सुरक्षा हुई चाक चौबंद। 2 वर्षों बाद बौद्ध के धर्मगुरु दलाई लामा बोध गया आ रहे हैं। ऐसे में धर्मगुरु दलाई लामा के बोध गया में स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और साथ ही उनकी सुरक्षा को भी लेकर सख्ती अपनाई जाएगी। आपको बता दें कि दलाई लामा के आने से कालचक्र मैदान में बौद्ध के धर्मगुरु की 3 दिवसीय टीचिंग भी तय की गई है। धर्मगुरु दलाई लामा भिक्षुणी और अन्य देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं को 29, 30 और 31 दिसंबर को कालचक्र मैदान में प्रवचन देंगे। साथ ही दलाई लामा के दीर्घायु होने के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन भी इसी मैदान में आयोजित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नीतीश ने कही ये बात। दुनिया में एक बार और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना को लेकर हम लोग सक्रिय हैं, अब तक इसकी जांच हम लोगों ने बंद नहीं की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना की जांच हुई है। बिहार में अकेले 8 लाख लोगों की जांच की गई है, जबकि पूरे देश में 6.5 लाख। फिलहाल हमारे यहां अभी केस कम है, लेकिन फिर भी हम अलर्ट है। बिहार में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा जांच और वैक्सीनेशन हुई है।
विश्वविद्यालय को देना होगा 15 दिनों में वेतन खर्च का हिसाब। विश्वविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सरकार के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी के साथ चेतावनी देते हुए निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय 15 दिनों के अंदर वेतन मद में खर्च से संबंधित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दे। अगर कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करता है तो उस विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, वित्तीय परामर्शी व रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की जा सकती है। पिछले दिनों इसको लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के सचिव, कुल सचिव समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे। कोहरे के आगोश में बिहार। बिहार में अगले दो दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए जाने का पूर्वानुमान है। उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में भी घने कोहरे के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 22 दिसंबर से ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। वातावरण में कनकनी के अलावा कोहरे के प्रकोप में वृद्धि देखी जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव और शीतलहर जारी है। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज सुबह का तापमान 13 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और हवा की गति 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इग्नू ने बीएड पीएचडी जनवरी एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड पीएचडी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 तक कर दी है। अब वैसे स्टूडेंट्स जो आवेदन करने में चूक गए थे वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसकी प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को पंजीकरण शुल्क के रूप में 1000 रुपए देने होंगे, लेकिन इस बीच स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन करने के दौरान प्रोग्राम के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका आवेदन मान्य नहीं होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रघुवीर नारायण के बारे में। रघुवीर नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के दहियावा गांव में हुआ था। यह एक हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनके द्वारा रचित बटोहिया नामक भोजपुरी राष्ट्रीय गीत को पूर्वी भारत में वंदे मातरम तथा इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के बराबर सम्मान मिला। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोक धुन में लिखा गया है। राष्ट्र प्रेम और भक्ति से ओत प्रोत कर देने वाली इस रचना की एक ही वर्ष में 1912 में बांग्ला भाषाई क्षेत्र कोलकाता की गलियों तक फैल गई। सर यथुनाथ सरकार ने रघुवीर बाबू को लिखा, आई कैन नॉट थिंक ऑफ यू विदाउट रिमेम्बरिंग योर बटोहिया। इन्हें राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है। 22 और 23 को आईटीआई दिघा में लगेगा मार्गदर्शन मेला। 22 और 23 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में स्थित आईटीआई दिघा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 कंपनियां मैट्रिक, इंटर, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बीटेक, नर्सिंग, अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता प्राप्त युवाओं को रोजगार देगी। इसके साथ ही इस मेले में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए भी कई सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं अगर इस मेले में प्रवेश शुल्क की बात करें तो नियोजन के सहायक निदेशक शंभुनाथ सुधाकर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। मुआवजे को लेकर भाजपा का धरना। बीते दिन बुधवार को भाजपा नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले के परिवारों को मुआवजा दिए जाने को लेकर धरना की दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं के द्वारा नीतीश सरकार पर आरोप लगाया गया कि बिहार के सारण, बेगूसराय या सिवान में जहां भी मौतें जहरीली शराब से पीने से हुई है उसके जिम्मेदार नीतीश सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए कहा कि सत्ता पोषित शराब बिकवाना बंद करें और इसके साथ ही सरकार को जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा भी देना होगा। नीतीश कुमार ने एनएचआरसी की जांच पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम एक तरफ जहां बिहार में छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर जांच पड़ताल कर रही है तो वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार को ये जांच पसंद नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में एनएचआरसी की टीम जांच के लिए आई है तो देश के बाकी राज्यों में क्यों नहीं गई। उन्हें तो यह देखना चाहिए कि अन्य राज्यों की तुलना में यहां सबसे कम मौत हुई। हम लोग खुद इस जांच की घटना कर रहे हैं। अगर कोई गंदा और जहरीली शराब पीकर मरता है तो इसको तो और अधिक प्रसारित करने की जरूरत है कि यदि इस तरह से पियोगे तो मरोगे। देश के कौन से हिस्से में शराब पीने से मौत नहीं हुई है? ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार की जांच सिर्फ बिहार में क्यों?
पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा शराबबंदी नीति के विफलता के समीक्षा की जरूरत। शराबबंदी को लेकर विपक्ष सरकार को बार बार घेरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान भी सामने आ रहा है। इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में शराबबंदी के असर को जानने के लिए सर्वे की नहीं शराबबंदी नीति के विफलता की समीक्षा की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि जिस जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई है उसे केवल सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि सत्ता द्वारा संपोषित शराब माफिया का भी गठजोड़ है। अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई है उनमें दलित गरीब और पिछड़े वर्ग के ही लोग हैं। मौत होने वाले लोगों के सही आंकड़े सार्वजनिक कर सकता है। डिप्टी सीएम का बयान, भाजपा बिहार से घृणा करती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कथित बिहार के अपमान वाले बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग बिहार से घृणा करते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि बिहार का अपमान कैसे किया जाए। दरअसल पीयूष गोयल ने बिहार को लेकर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था कि इनका बस चले तो भारत को बिहार ही बना दे, जिसके बाद राजद नेता व राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने इस बयान को बिहार का अपमान बताया और सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर अपनी यह इच्छा जाहिर की कि पीयूष गोयल को उनके इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नई एडवाइजरी जारी। एक बार फिर पूरी दुनिया कोरोना को लेकर सतर्क हो गई है। वहीं भारत की केंद्र सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर भीड़भाड़ इलाकों में जाते हैं तो मास्क जरूर पहने। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द लगवा ले ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि अब तक देश में केवल 27 से 28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। इसके अलावा टीकाकरण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। आज टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच। आज से टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच मीरपुर शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीम की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस बार बांग्लादेश की टीम पलटवार के इरादे से मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दावेदारी को भी मजबूत कर लेगी। बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देखते हुए टीम इंडिया के लिए यह सीरीज काफी अहम माना जा रहा है। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। देश में पहली मालगाड़ी 1851 में रुड़की से चलाई गई। मानवेंद्रनाथ राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना JNU अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा 1966 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान ने 2006 में स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया। सशक्त बलों के वेतन में विसंगतियों के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ। आज ही के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है और उन्हें दोषी घोषित कर दिया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, मुन्ना प्रसाद, राम नवमी मांझी, बिट्टू कुमार राज, जिसु राज, चंद्रशेखर प्रसाद, नुनुगोलू कुमार, रविशंकर, भान प्रकाश मौर्य, पंकज कुमार दास, कविता कुमारी, राम शंकर सिंह, रविंद्र पासवान, मोहम्मद नौशद राजा, रंजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।